महाराष्ट्र में शनिवार सुबह बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्यपाल भगत सिंह कोशियारा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं रामकापा नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। महाराष्ट्र में फडणवीस के शपथ लेते हुए मध्य प्रदेश के भाजपाइयों ने जश्न शुरू कर दिया। यहां पर जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। महू नाका चौराहे पर भाजपा नेता सुधीर देड़गे के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और दोबारा देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी करते हुए आसमान में पटाखे छोड़े। इस दौरान एक दूसरे को मिठाई खिलाने के साथ ही राहगीरों का भी मुंह मीठा करवाया। देड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के जनता ने भाजपा और शिवसेना को बहुमत दिया था, लेकिन शिवसेना ने लालच के चलते गठबंधन का पालन नहीं किया। जो मौका परस्ती ताकते, जो ना विचारधारा देख रहे थे और ना ही कुछ और देख रहे थे, बस इसमें लगे थे कि किसी प्रकार से हमारी सरकार बन जाए। आज भाजपा की सरकार बनने से जनता की जीत हुई है। शरद पवार की राजनीति को कोई नहीं समझ सकता।